नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पशु औषधालय कोट खमरादा को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल बनाने, प्राथमिक पाठशाला देहरा नाला को स्तरोन्नत कर माध्यमिक पाठशाला बनाने, रेहन में प्राथमिक पाठशाला खोलने, क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने और नगवाई और टकोली के मध्य राज्य वन निगम का बालन डिपो खोलने की घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फोरलेन प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि औट में हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ का प्रापण केंद्र या दुग्ध अभिशीतन संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में द्रंग विधानसभा क्षेत्र का समुचित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम बिजली पैदा करते हैं, हम पूरे देश को बिजली देते हैं। 11,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश पैदा करता है। हाइड्रो सेक्टर में हम पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बिजली करने वाले प्रदेश हैं। और हमारे यहां पर बिजली महंगी हो गरीब लोगों के लिए, हमने कहा यह उचित नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमने निर्णय किया कि बिजली के 60 यूनिट जीरो से 60 यूनिट तक तो फ्री करेंगे और ना मीटर का पैसा लेंगे ना सर्विस चार्ज लेंगे, पूरा का जीरो से 60 सिर्फ जीरो बिल आएगा। हमने उस गरीब आदमी को सोच कर किया, सिर्फ वो गरीब है इसलिए इस निर्णय को किया है। और उसके बाद यहीं तक नहीं निर्णय किया, हमने इसे आगे बढ़ करके निर्णय किया, जो 60 से 125 यूनिट खर्च करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बिजली में रियायत किया जाए। तो उनको रियायत देने की बात आई तो वो वर्ग है जिसमें कर्मचारी भी आता है, जिसमें वो आदमी भी आता है जो थोड़ा खर्च करने की स्थिति में है, जो है वो व्यवसाय करता है, काम धंधा करता है, अच्छे परिवार में। हमने 125 यूनिट खर्च वालों को भी हमने तय किया, जहां लगभग 1.90 रुपए के हिसाब से जो है वो पड़ता था, उनको यूनिट पड़ता था, हमने उसमें बाकी पैसे माफ किए, सिर्फ 1 रुपए रखा ऊपर, 1 रुपए यूनिट के हिसाब से खर्चा। लगभग उनका बिल भी आधे के करीब आया। और इन दोनों को मिलाकर के अगर राहत दी, हमने कितने परिवारों को राहत दी, कितने घरों को राहत दी, 11 लाख परिवारों को इसके माध्यम से राहत दी है हिमाचल। एक ऐतिहासिक निर्णय। उसके बाद और लोग बोलते थे हमको कि कोई आदमी को अगर पेंशन लगानी है किसी आदमी के लिए, कोई हमने क्योंकि आय सीमा हमने जो गरीबी के रेखा के लिए जो रखा गया था, जो गरीब आदमी के लिए रखा गया था, वो 35,000 रुपए का। सब लोगों को कहना था कि इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम ये 50,000-60,000 होने चाहिए। हमने कहा कि सही बात है, हमने उसको 50,000 तक बढ़ा दिया। और उसके कारण भी 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को पूरे प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने एक चीज रखी है कि गरीब की सेवा करो, दुआ दिल से निकलेगी। हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने कहा कि हर एक आदमी का इलाज मुफ्त में कैसे किया जाए, उसके लिए योजना बनाई हिमकेयर के माध्यम से। 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हमने हिमाचल प्रदेश में मुफ्त में किया इन 4 वर्षों में। 200 करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च भी किया। लारजी का ये डैम बनने के पश्चात यहाँ की परिस्थितियां बदल गई, जहां तक पानी आ गया पीछे तक। एक सड़क यहां से जाती थी, उस सड़क का रास्ता बंद हो गया, वो पानी में मर्ज हो गया, उसका एक पोर्शन था। हमने कहा ये सड़क पुराने समय से आने जाने का रास्ता यही होता था, तो मैंने 6 करोड़ रुपए दे करके इस सड़क को जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट से पैसा दे करके, और ये सड़क को तो रिस्टोर करना ही है, और उसके साथ साथ में ये हमारा टूरिज्म का हब बने, जहां हमारी वाटर स्पोर्ट्स हो, यहां पर टूरिस्ट आए, यहां पर टूरिस्ट घूमे,
यहाँ टूरिस्ट बैठे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने यहाँ लाजी के सारे, इस लाजी से इस झील को और आग से लेकर के सारे इस झील को जो है डेवलप करने का प्लान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाला है अपितु हमारी जीवनचर्या को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि सौभाग्यवश इस परीक्षा की घड़ी में देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि इस विपदा में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आगे बढ़कर जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की है। इसके विपरीत कांग्रेस नेता केवल इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने में ही व्यस्त रहे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार मंडी जिला के नागचला में राज्य के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्वीकृत करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा न केवल सामरिक महत्व का होगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में पूरे राज्य का एक समान और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को उदार सहायता उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा कर अटल टनल रोहतांग प्रदेश के लोगों को समर्पित की। हाल ही में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों के लिए 11,500 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हनोगी में ब्यास नदी पर निर्मित होने वाले हनोगी पुल के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल से द्रंग और सराज विधानसभा क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे। उन्होंने मनाली 4-लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही सुरंग का भी दौरा किया और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने थलौट में लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय का लोकार्पण भी किया, जिससे बाली चौकी, पनारसा और पंडोह क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑट में 1,15,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बचत समिति की दुकानों का शिलान्यास किया। उन्होंने ऑट में घाट स्थल का दौरा भी किया। श्री जयराम ठाकुर ने वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी 2022 तक budgetidea.hp@gmail.com पर ईमेल किए जा सकते हैं। इन्हें पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है। बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 799 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 144 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 615 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,38,256 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,62,099 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,75,540 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,65,363 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,146 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।